को समर्थन यहां पर मिलता हुआ नजर आ रहा है और यहां केंद्रीय मंत्री मौजूद हैं मनोहर लाल और उनके जरिए संबोधन हो भी रहा है। राज्यसभा सांसद कार्तिक शर्मा भी साथ में मौजूद दिखाई दे रहे हैं। कालका से बीजेपी प्रत्याशी हैं शक्ति रानी शर्मा, अंबाला से चुनी जाने वाली पहली महिला मेयर भी हैं। ऐसे में अब बीजेपी पूरा जोर लगा रही है और यहाँ मनोहर लाल ये कहते हुए नजर आए कि चाचा भतीजे मिलकर काम करेंगे। पंजाबी समाज ने शक्ति रानी शर्मा को पूरा समर्थन दिया है, मनोहर लाल का पंजाबी समाज ने स्वागत भी यहाँ खास अंदाज में किया। हो गया सरकारी फाइल कमीशन चल पड़ा लेकिन किन्हीं कारणों से रुका हुआ था। हमारे एक यहाँ के श्रद्धालु हैं, काली माई माता के श्रद्धालु बहुत हैं, बड़े श्रद्धालु हैं, उन्होंने जमीन देने का योगदान भी किया था। उन्होंने जमीन मैंने दे दी, फिर भी नहीं बनी है, तो उसमें कहीं जो कमी रह गई, अब चूंकि या तो माता मनसा देवी श्राइन बोर्ड या हरियाणा सरकार, और वो अगर नहीं बन उसमें बनवाते हैं, कोई कमी रह जाती है, तो हमारे कार्तिक शर्मा जी ने कहा कि काम को अपने जिम्मे लेता हूँ। भाई श्रद्धा का भाव है, श्रद्धा कोई सीमित होती नहीं, श्रद्धा की कोई सीमाएं नहीं होती है, तो जितना जो काम कर जाए अच्छा करे, तो इनकी उस श्रद्धा भाव से क्यों ऑफर को मंजूर कर लिया है और पूरा ग्रुप आज से या कल से अपने काम में लग जाएगा। बहुत बड़ा विषय आगे आएगा, तो मुझे तो भाई बहुत इतनी बात कहनी थी, इतनी बात करते चले जाए, विषय हुई है, ठीक है ना। तो विषय जो है आपको ध्यान करा दिया, आप सब समाज को जुटा करके और अपने कहने को हर जनता पर जुटाएं, यही मेरा आपसे निवेदन। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर जब तैयारियां अलग अलग पार्टियों की नजर आ रही हैं, ऐसे में बीजेपी भी कमर कसती हुई नजर आ रही है। यहां कालका विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी हैं शक्ति रानी शर्मा, जिन्हें अलग अलग वर्ग का समर्थन मिल रहा है और मनोहर लाल खुद पहुंचे वहां चुनाव प्रचार करने के लिए और उनका कहना यह था कि अलग अलग वर्गों का समर्थन मिल रहा है, पक्का सरकार हमारी ही आएगी।